दोस्तों आज मैं आपको लालची व्यापारी और शिवजी की कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों कहानी को पूरा सुनना, बहुत रहस्यमयी और मजेदार कहानी है। सबसे पहले तो सभी दोस्तों को जय भोलेनाथ। बहुत पुराने समय की बात है, एक गांव था, उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। वह पंडित जी बहुत ही दयालु और सीधे साधे स्वभाव के थे और साथ ही शिव जी के परम भक्त भी थे, लेकिन गरीब भी बहुत थे। पंडित जी का काम था, वह रोजाना शिव मंदिर जाते, दिन भर शिव जी की सेवा करते और जो भी दान दक्षिणा मिलती उसी से अपना गुजारा करते थे। पर कोई भी दीन दुखी भिखारी उनके घर पर जाते तो पंडित जी उन्हें कुछ ना कुछ जरूर देते, खाली हाथ किसी को नहीं लौटाते थे। उसी गांव में एक व्यापारी रहता था, वह बड़ा ही धनवान था, पर वह हमेशा ही पैसों का बड़ा लोभी था। वह हमेशा सुबह शाम भगवान का नाम नहीं जपता था। मोदी जी, भगवान का नाम नहीं जपता था तो फिर क्या जपता था? अरे भैया, वो तो पैसों की माला जपता होगा। धनवान आदमी के पास धन कितना भी हो पर उसको हमेशा कम ही लगता है। हाँ भैया, सही कह रहे हो। वह दिन भर यही मंत्र जपता था कि हाय धन थोड़ा, हाय धन थोड़ा, बस यही मंत्र जपता रहता था। फिर महाशिवरात्रि का त्योहार आया तो पंडित जी हर दिन की तरह नहा धोकर शिव मंदिर की ओर भोलेनाथ का नाम जपते हुए जा रहे थे। उधर से व्यापारी आ रहा था। जब दोनों पास आए तो व्यापारी ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, तुम रोजाना भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हो, उनकी सेवा करते हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे भोलेनाथ ने आज तक तुमको क्या दिया है? जब से मैं देख रहा हूँ तुम गरीब के गरीब ही हो। पंडित जी, एक काम करना, कल से मेरे घर पर आ जाया करना और मेरे व्यापार में मेरा हाथ बचाना, मैं तुमको अच्छी तनख्वाह दूंगा, कहाँ तुम पत्थर को पूंछते फिरते रहते हो। फिर पंडित जी बोला, सेठ जी, भगवान जो भी देता है सोच समझ कर देता है और मुझे शिव जी की कृपा से जो भी मिल रहा है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। व्यापारी ने कहा कि कहाँ मैं अंधे को रास्ता दिखा रहा हूँ और अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। ऐसा कहकर सेठ जी वहाँ से चल दिया। इधर शिव जी और पार्वती जी भ्रमण करने के लिए निकले। संयोग बस वे उसी गांव के जंगल में भ्रमण कर रहे थे। मोदी जी, शिव पार्वती घूमने फिरने निकले थे क्या? हाँ भैया। फिर पार्वती जी ने भोलेनाथ भगवान से कहा कि पंडित जी तुम्हारा भक्त है, वह रोजाना तुम्हारी पूजा अर्चना सेवा करता है, पर भगवान जी आप उसे कुछ देते क्यों नहीं? उसके घर में खाने पीने के फजीते पड़ते हैं। तो शिव जी ने कहा कि देवी, आज शिवरात्रि है, आज मैं अपने भक्त पंडित जी को धनवान और मालामाल कर दूंगा। पार्वती जी बोली कि प्रभु कैसे करेंगे धनवान? शिव जी बोले, देवी, पंडित जी ने जितने भी बिलपत्र मेरे शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लाए हैं उन्हीं बिलपत्र से मैं पंडित जी को मालामाल कर दूंगा। ऐसा कहकर भोलेनाथ भगवान और पार्वती जी वहां से चल दिए। परंतु संयोग बस ये सारी बातें व्यापारी ने सुन ली। फिर व्यापारी तुरंत पंडित जी के घर गया और पंडित जी से कहा कि तुम जो बिलपत्र आज शिवलिंग पर चढ़ाओगे वो सारे बिलपत्र मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरे देता हूँ। पंडित जी ने कहा कि नहीं सेठ जी, ये बिलपत्र मैंने अपने श्रद्धा भाव से शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लाया हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन पंडित आई ने पंडित जी से कहा कि दे दो, हमें धन की जरूरत है और शायद सेठ जी को बिलपत्र की जरूरत होगी। पंडिताइन की जिद के कारण पंडित जी ने बिलपत्र से भरा थैला सेठ जी को दे दिया और 100 सोने की मुद्राएं ले ली। इधर सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि भोलेनाथ ने ये कहा था कि बिलपत्र चढ़ाने से पंडित जी मालामाल हो जाएगा, पर आप पंडित जी तो कंगाल ही रहेगा और मैं मालामाल हो जाऊंगा। मोदी जी, सेठ जी तो बहुत ही बड़ा सयाना बन रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ा रहा है। हाँ भैया, सेठ जी को मालामाल बनने की इल्ली काश रही है। फिर सेठ जी शाम को सारे बिलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचा और बिलपत्र से भरा थैला पूरा का पूरा शिवलिंग पर डाल दिया। मोदी जी, सेठ जी मालामाल बनने के चक्कर में बिलपत्र हाथों से चढ़ाने के बजाय थैला ही शिवलिंग पर पलटा दिया। मोदी जी, माया मिलने के चक्कर में आदमी बावड़ा हो जाता है, समझ सुध नहीं बैठती कि क्या करे और कैसे करे। भैया, माया चीज ही ऐसी होती है। फिर भैया सेठ जी ने बिलपत्र शिवलिंग पर डालकर इंतजार करने लगा कि अब चमत्कार हो, अब चमत्कार हो, अब माया मिले, और नीचे बैठकर वह बिना पलक झपकाए शिवलिंग की ओर देखने लगा। रात के 12 बज गए, फिर भी सेठ जी ने सोचा कि आधी रात के बाद में चमत्कार होगा। ऐसा सोचते सोचते रात के 3 बज गए।
लेकिन सेठ जी ये सोचते रहे कि शायद सुबह चमत्कार होगा और मैं मालामाल हो जाऊंगा। जहां इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा और सही। पर भैया दिन होने को आया, कोई चमत्कार नहीं हुआ। इधर सेठ जी का सब्र टूट गया। फिर क्या था, सेठ जी को काटे तो खून नहीं निकले। फिर सेठ जी को गुस्सा आ गई तो सेठ जी ने शिवलिंग को उठाकर फेंकने की सोचा और अपने दोनों हाथों से पकड़ा। पर भैया शिवलिंग सेठ जी से उठा नहीं, उल्टे सेठ जी के दोनों हाथ शिवलिंग से चिपक गए। इधर भैया सेठ जी फिर घबराने लगा। सेठ जी भोलेनाथ का नाम लेकर क्षमा मांगने लगे तो शिवलिंग में से ये आवाज आई कि सेठ जी तुमको पंडित जी के घर जाकर 2000 स्वर्ण की मुद्राएं दान में देना है, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे दोनों हाथ नहीं छूटेंगे। सेठ जी ने कहा कि भगवान जी, सबसे पहले मैं पंडित जी को दान देकर ही आऊंगा, बाद में कोई भी काम करूंगा। मोदी जी, सेठ जी तो डर के मारे कांपने लगा। भय बिना प्रीत नहीं होती, लकड़ी के आगे ही माकड़ी नाचती है। हाँ फिर क्या, सेठ जी ने दान दिया? अरे भैया वो क्या, उसका बाप भी देगा। सेठ जी फिर सीधे अपने घर गए और तिजोरी में से 2000 सोने की मोहरें निकाली और पंडित जी के घर जाकर पंडित जी को दान में दे दी। फिर सेठ जी के समझ में ये बात आ गई कि शिव जी ने पंडित जी को मालामाल बनने को कहा था, मेरे को नहीं। सो पंडित जी मालामाल बन गया। मैंने ज्यादा अकल खर्च की तो उल्टा मेरा भारी नुकसान हो गया। फिर इधर पंडित जी अपने घर में हंसी खुशी रहने लगे। और भैया कहानी खत्म। वाह मोदी जी, बहुत ही मजेदार और धार्मिक कहानी सुनाई, दिल खुश हो गया। और भाइयों आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ।